हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हुशैर, मैं आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है एंड क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए सितंबर का मंथ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, ये भी हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एंड मैं बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का एंड अपनी ब्यूटीफुल सोल फैमिली का कि आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझे इतने लविंग कमेंट्स देते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ इतने लविंग कमेंट्स देने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए और आपकी एनर्जीज रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज हैं आप लोगों की, सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी गाइस। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ये वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है आपके जोडिक साइन के अकॉर्डिंग, आप अपने मून साइन, सन साइन या नॉर्थ नोड के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सभी यहाँ पर साइंस वैलिड है एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों की राशि पाइसेस है यानी कि मेन राशि, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है, सितंबर का महीना कैसा रहेगा मेन राशि वालों के लिए। पहले ही ये कार्ड आ गया टेन ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली आ रही है, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली। पाइसेस राशि, पहले मैं अच्छे से तो शफल कर लूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, फिर से ये कार्ड आ गया, लेना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू एनिमल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मेन राशि के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, थैंक यू द फूल। मेन राशि के लिए आने वाला टाइम, आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मेन राशि पाइसेस राशि के लिए गाइस बहुत ही इंपेशेंस वाली एनर्जी है, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, धैर्य बनाइए। ओके, कुछ ना कुछ दहेज बनाने की ज़रूरत है आपको। मीन राशि के लिए आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है, थैंक यू मच, थैंक यू प्लीज, थैंक यू प्लीज, मुझे गाइड कीजिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, छोटी सी कंफ्यूजन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, बट आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में रहने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल सकती है आपके माइंड में, मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं ये खरीदूँ या वो खरीदूँ। ओके, ऐसी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल सकती है। साथ ही मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ बढ़ रहा है आपकी लाइफ में, आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ यहाँ पर। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ, आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ओके, अपने इमोशंस को यहाँ पर दबा रहे हैं कुछ लोग, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स के साथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज। द एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं, वी हैव फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव, ओके, तो आपके लिए चैरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज को नोट कर लीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, डोनेशंस करनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग अपने पास से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन आ रही है आप लोगों के लिए, एंजेलिक गाइडेंस आ रही है, प्रोटेक्शन आ रही है, ईश्वर आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मुझे लगता है कि जो लोग भी अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, वो आने वाले मंथ में अपने पास्ट को लेट गो कर पाएंगे और ये अपने पास से आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। एंड साथ ही बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, जो लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, तो यस, यहाँ पर आपके लिए पैसा बहुत सारा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। साथ ही मुझे लगता है कि आप लोग लेट गो कर पा रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को और आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और अगर आप लोग कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज भी रह सकते हैं आने वाले मंथ में, तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन के स्टेट से निकलने का उपाय भी मिलेगा। ओके, वी हैव 666 की एनर्जी यहाँ पर है एंड 666 की एनर्जी हमें ये बता रही है कि आपको अपने माइंडसेट को ठीक करने की ज़रूरत है। रादर देन सीइंग द ग्लास हाफ एम्प्टी, यू हैव टू सी दैट द ग्लास इज़ हाफ फुल। यहाँ पर मैसेज ये आया है कि आपको
ग्लास को आधा भरा हुआ नहीं, आपको ग्लास को आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ देखना है। ओके, तो पॉजिटिव माइंडसेट में आपको रहना है। यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप लोग थोड़ा सा इमोशन लेस फील कर सकते हैं, बट मंथ के एंड में आते आते ना आप लोग काफ़ी अच्छा हैप्पी महसूस करने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मैं देख रही हूँ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है आपको इमोशंस फील करने का टाइम ना मिले। ओके, तो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। साथ ही मैं देख रही हूँ कि अगर जो लोग भी शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये सबकी शादी में यहाँ पर पॉसिबल है, आपकी शादी होने वाली है। कोई ना कोई सेरेमनीज आते हुए मैं दिख रही हूँ, सेलिब्रेशंस आते हुए मैं दिख रही हूँ। साथ ही कुछ लोग यहाँ शादी की शॉपिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। ओके, और जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए यहाँ मैसेज है, कोई ना कोई सोलमेट या कोई ना कोई पार्टनर आपके यहाँ पर आने वाले हैं जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाली है किसी ना किसी पार्टनर के साथ, जिन भी लोगों के फादर फिगर यहाँ पर नहीं मान रहे थे तो वो यहाँ पर मानने वाले हैं। ओके, फादर फिगर की बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर हेरिडेटरी गेन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। कोई ना कोई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिल सकती है अपने फादर की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज है, आपके पास पैसे बहुत सारे यहाँ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस से गुजर रही है आपकी लाइफ। ओके, साथ ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में रहने वाले हैं, आप लोग खुद से ही प्यार करने वाले हैं, अपने आप में मस्त मौला एनर्जी आ रही है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं अपने आप में ही, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद में ही खुश रहने वाले हैं और अपने आप का टेक केयर करने वाले हैं। साथ ही आप लोग अपने लुक्स का बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं कि मैं क्या पहन रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, कैसा स्मेल कर रहा हूँ। ओके, आप लोग हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस मैं यहाँ देख रही हूँ, साड़ीज़ देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, साथ ही अबंडेंस प्रॉस्पैरिटी बहुत सारी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो भी हैं आपके वो यहाँ पर चेंज होने वाले हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पर, आपके फाइनेंसेस यहाँ पर अच्छे होने वाले हैं। जो लोग भी यहाँ अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे उनके लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आ रहा है, आप लोग अपने घर को बनवा सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं से आप लोग अपने घर को तोड़वा के फिर से बनवा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज हैं। या तो आप कोई अपने घर का नक्शा बनवा रहे हैं यहाँ पर, आप बनवा सकते हैं, किसी आर्किटेक्ट से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की एनर्जी से साथ ही मुझे लगता है कि आप लोग एडवाइस लेने वाले हैं दूसरों की, और दूसरे लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस कुछ देने वाले हैं जो कि आपको एक अच्छी सक्सेस वाली एनर्जी में लेकर जाएगा। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस हो सकती है आपकी फैमिली की एडवाइस, आपके फ्रेंड्स की एडवाइस। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपके फादर के साथ जो भी रिलेशन था वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। एंड यहाँ पर द एम्परर के साथ सिक्स ऑफ वांड्स का आना यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है आने वाले मंथ में। आपको कुछ सेपरेट करने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है, अथॉरिटेटिव पोजिशन, कोई ना कोई पोजिशन यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ओके, पावर आ रही है आप लोगों के हाथ में। साथ ही आप लोग एंड ऑफ द मंथ तक आते आते आप कह रहे हैं कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मुझे किसी भी ड्रामे का पार्ट नहीं होना है, कोई भी लड़ाई झगड़े में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एंड आप लोग खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, पैसा बहुत आने वाला है आने वाले मंथ में आपके लिए। ओके, तो लव लाइफ के लिहाज से मैंने आपको बता ही दिया कि कोई ना कोई पार्टनर आ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में बहुत ही पैशनेट ऑटोमेटिक एनर्जी आते हैं मैं देख पा रही हूँ। एंड साथ ही जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं आपके पेरेंट्स यहाँ पर, आपके फैमिली वाले यहाँ पर मान सकते हैं और आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, बहुत ही खुशी वाला टाइम आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। ओके, बहुत पैशनेट रोमांटिक एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड करियर के लिहाज से थोड़ा सा टफ रह सकता है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब आ रही है। ओके, कोई ना कोई पावरफुल पोजीशन यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। एंड इमोशन वाइज आप लोग काफ़ी खुश रहने वाले हैं, ऊपर नीचे रहेंगे आपके इमोशंस। ओके, रोलर कोस्टर राइड रहेगी, बट आप लोग ओवरऑल एनर्जीज जो हैं हैप्पी मूड में रहने वाले हैं। साथ ही हेल्थ वाइज मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको, हेल्थ में आपकी आंखों में तकलीफ हो सकती है और मेंटल टेंशन थोड़ी सी बनी रह सकती है बिकॉज ऑफ योर वर्क लाइफ, आपके ऊपर मेंटल टेंशन रह सकती है। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ओके, यहाँ पर मैसेज है कि जो लोग भी आपके लाइफ में टॉक्सिक हैं, जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं उनसे दूरियाँ बनाइए। ओके, उनसे दूर रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है, जो लोग भी आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं।
ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। हमारे पास एक कार्ड आया है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, ब्यूटीफुल कार्ड। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। जो लोग भी अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आप सही कर रहे हैं और आप लोग सही मार्ग पर आगे चल रहे हैं। आप लोग यू आर डूइंग द राइट थिंग, ओके, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओवर थिंक नहीं करना है आपको यहाँ पर। एंड ओके, और कार्ड देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है पाइसेस राशि के लिए। थैंक यू। वी हैव द एवर अनफोल्डिंग रोज, क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। तो यहाँ पर किसी के, कुछ लोगों के फेसेस आपको रिवील हो सकते हैं कि अरे वो मेरे बारे में ऐसा बोलता था मेरे सामने और अब देखो पीठ के पीछे कैसे बोल रहा है। ओके तो ऐसा हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोगों के फेसेस रिवील हो सकते हैं और जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। और आप लोग सही कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों के लिए हीलिंग यहाँ पर आ रही है और अपने आप को, अपने लुक्स में बदलाव आप लोग कर रहे हैं। ओके, एंड आपके लुक्स में किसी तरह के चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मीन राशि, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने दीजिए, हीलिंग की एनर्जी में रहिए, हीलिंग की एनर्जी में लिख रही है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने दीजिए। लोग क्या कहते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। ओके, वी हैव कुंडलिनी शक्ति, माँ की शक्ति है, ब्यूटीफुल। आप लोगों के चक्रास यहाँ अलाइन हो रहे हैं, साथ ही मैं हीलिंग की बात कर रही थी तो यहाँ पर आप स्नेक्स देख सकते हैं, स्नेक्स से हमें हीलिंग का मैसेज मिलता है। तो आप लोगों की हीलिंग हो रही है, साथ ही आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपके लिए स्पिरिचुअल होना, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, अपने चक्रास मेडिटेशन कीजिए, चक्रास को अलाइन कीजिए। ओके, एंड वी हैव आत्मन, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है, ऑब्जर्व कीजिए। एंड साथ ही यहाँ पर भी स्नेक्स का ही मैसेज है कि यस, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हीलिंग यहाँ पर आ रही है, मेडिटेशन कीजिए। आपके थर्ड आई चक्रा में, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड वी हैव धारणा, यहाँ पर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को फोकस बनाइए और अपने आप को पॉजिटिव माइंड सेट में लेकर जाइए। सो यस गाइस, ये थे आप लोग के नेक्स्ट मंथ की रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।